हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बिल्कुल बेसिक। आप जानते भी होंगे, आप में से बहुत सारे इन सब चीज़ को जानते होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को मैं इतने अलग तरीके से बताऊंगा, बेसिक इंग्लिश को इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप कंसेप्ट क्लियर कर लें और इंग्लिश बोलने के टाइम में या फिर लिखने के टाइम में आप बेहिचक लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक कला है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, मैं बेसिक कंप्लीट करने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या वजह है? तो ये वजह ये है कि आप में कितनी जिज्ञासा है सीखने का, बोलने का, आप कितनी तीव्र इच्छा के साथ हैं, आपके पास कितनी तीव्र इच्छा है, स्ट्रॉन्ग विल है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है इंग्लिश बोलने की। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं जो नींद में आती है, सपना तो वो है जो नींद आने नहीं देती है। अगर आप में तीव्र इच्छा है इंग्लिश स्पीकिंग करने का, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का, तो फिर आप दिन में इतना ज़्यादा मन में ही इंग्लिश में बोलते रहें, रॉन्ग ना राइट, किसी भी टॉपिक पर अकेले में बैठकर आप बोलते रहिए, मन में ही बोलते रहिए किसी टॉपिक पर, और इतना ज़्यादा आप इसमें लीन हो जाइए इंग्लिश सीखने में कि नींद में भी आप बड़बड़ाते रहिए, इंग्लिश में नींद में भी कुछ बोलते रहिए, सपना में भी कुछ बोलते रहिए, और इस प्रकार से आप इंग्लिश स्पीकिंग को जल्दी सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप में तीव्र इच्छा होती है तो नींद में भी वो चीज़ सामने आने लगता है, नींद में भी आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और जब ऐसा होने लगे तो आप समझ लीजिए कि इस विषय में, इस चीज़ में आप बड़ी सफलता पाने जा रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में रोज़ सपना में देख रहे हैं, सपना आ रहा है, आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे पाना, उसे उसको अचीव करना बहुत ही आसान हो जाता है और गारंटी भी। इसलिए मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसमें आप तीव्र इच्छा के साथ में उसे सीखिए, समझिए। आज का टॉपिक भले ही आपको आसान लगता है, लेकिन इसी पर मैं जो क्वेश्चन करूँगा वो बहुत ही हार्ड जरूर होगा, कुछ कठिन होगा, सोचना जरूर पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक सही से देखिए। जैसे आप देख रहे हैं, थ्री स्टेप में मैं बताऊंगा, जैसे मैं हूं, मैं था, मैं होगा, या फिर मुझे है, मुझे था, मुझे होगा, मैं रहा हूं, मैं रहा था, मैं रहूंगा। बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके मैं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा, टेक्निकली बताऊंगा, ताकि आप सही से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू बी का प्रयोग आपको आता है, लेकिन कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। जैसे यहां पर मैं लिखा हूं कि आई के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब दोनों होता है, और इसी चीज को जानना है। जैसे हम इसके आगे बताएंगे, फिर आगे आगे, और उसके बाद आपको ईच, आर, एम, वाज एंड वर, इन सभी का प्रयोग कैसे होगा एक एक करके सही से समझिए। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ ईच एंड वाज का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट के अनुसार कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो आप आर या फिर वर का यूज कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर देख लेंगे, आई के साथ एम, हूँ के लिए एम यूज होगा, और पास्ट के लिए वॉज होगा, और ये दोनों सिंगुलर वर्ब है। यू के साथ हमेशा यू भले ही सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लुरल ही होगा। लेकिन अब जो समझना है वो देखिए, यहाँ पर आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है और ये दोनों प्लुरल वर्ब है, मतलब यहाँ पर देखिए आई के साथ गो और हैव का यूज करते हैं और ये दोनों प्लुरल वर्ब है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों सिंगुलर है, मतलब आई के साथ सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, लेकिन कुछ दिमाग में रखना जरूरी है कि एम होगा, इज नहीं होगा। तो चलिए आगे भी देखते हैं, बहुत ही सिंपल। जैसे आई एम योर फ्रेंड, आई के साथ में एम का यूज किया गया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड, सी इज माय टीचर, वह मेरी शिक्षिका है, या फिर दे आर माय स्टूडेंट्स, वे लोग मेरे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, या फिर यहाँ पर आई के साथ फिर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, आई वॉज हिज नेबर, मैं उसका पड़ोसी था पास्ट के लिए, या फिर ही वॉज माय फ्रेंड, ही के साथ फिर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, पास्ट के लिए वॉज का प्रयोग किया गया है, तो ही वॉज माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था, दे
वर्ड माई इनिमीज, वे लोग मेरे दुश्मन थे। और यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है वॉज एंड व, आप चाहें तो यहाँ पर इसको वज बोलेंगे या फिर वाज भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वीक साउंड जरूरी है, तो इसके लिए स्पोकन में वर यहाँ पर बोलेंगे, वर बोलेंगे या फिर वह भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है शी विल बी अ डॉक्टर, अब इसी को फ्यूचर में बोल रहे हैं, जैसे मैं होगा, वहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो मैं होगा यहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ भी आप स्पोकन कर रहे हैं तो इसके लिए आप विल का प्रयोग कीजिए। जहाँ पर रिटन की बात है, ग्रामर में कुछ लिखना है, फिलअप करना है, तो वहाँ पर शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग ग्रामर के रूल के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्पोकन की बात है तो वहाँ पर सभी में विल का प्रयोग कर कीजिए बोलने में, ताकि सोचना नहीं पड़े कि शैल होगा या फिर विल होगा, सभी में विल का प्रयोग करते रहिए। और बेहिचक इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है, बल्कि इन सब चीज़ों को जवाब रखना है, ताकि आपको सोचना नहीं पड़े। तो अब देख लेते हैं मुझे है, मुझे था या मुझे होगा के लिए क्या होना चाहिए। अब हैव, हैज और हैड के प्रयोग को देख लेते हैं, इसमें क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे, और हैड तो सभी में यूज होगा पास्ट के लिए। लेकिन याद रखेंगे कि आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, जबकि आई सिंगुलर है, हैव का प्रयोग होगा, और यू सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, फिर भी इसमें सिर्फ हैव का प्रयोग होगा। तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है कि हैव एन और हैज का प्रयोग कहाँ होना चाहिए और हैड का प्रयोग कहाँ होगा, फिर इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे कब, क्यों करेंगे। तो अधिकार और स्वामित्व का भाव बताने के लिए, अगर आपके पास कुछ है, अगर आप किसी वस्तु के स्वामी हैं या फिर कुछ समय के लिए ही सही, तो वहाँ पर हैव, हैज और हैड का प्रयोग होगा। हैड का प्रयोग हमेशा पास्ट के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आई हैव अफेक्शन फॉर यू, मतलब मुझे आपके प्रति स्नेह है। अगर आपको किसी के प्रति स्नेह है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अफेक्शन फॉर यू। नेक्स्ट है शी हैज लव फॉर यू, उसे तुम्हारे प्रति प्रेम है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस जो आपको याद हो सकता है, आप आसानी से समझ सकते हैं, इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दे हैव नथिंग टू इट, उन लोगों को या फिर उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया, हैज और हैव। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दे हैव नथिंग टू इट, उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आई हैड मैनी फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि हैड का प्रयोग पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर पास्ट में किसी के पास कुछ था, स्वामित्व का बोध था, अगर किसी चीज़ पर उसे अधिकार था, जैसे आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे दोस्त थे, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ था, तो हैड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है शी हैड नो हाउस टू लिव इन, उसे रहने के लिए घर नहीं था, उसे रहने के लिए घर नहीं था, तो हैड का प्रयोग, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था, घर नहीं था। नेक्स्ट है दे हैड अ कार टू ड्राइव, उन लोगों को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक कार था, तो यह प्लुरल सब्जेक्ट है, लेकिन उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं, सभी में हैड का प्रयोग होगा पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर पास्ट में कुछ था तो। नेक्स्ट है आई विल हैव माई ओन हाउस, आई विल हैव माई ओन हाउस, मतलब अब फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर विल हैव का प्रयोग सब में कर दीजिए, ये मत सोचिए सेल कहाँ होगा, विल कहाँ होगा, बस सभी में, अगर किसी के पास कुछ होगा, फ्यूचर को एक्सप्रेस करना है, फ्यूचर में कुछ होने जा रहा है किसी के पास कुछ, तो उसके लिए सभी में विल हैव का प्रयोग कर दीजिए, तो आई विल हैव माई ओन हाउस, मेरे पास अपना घर होगा। नेक्स्ट है शी विल हैव नथिंग टू से, और उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो इस कंडीशन में मतलब सभी के लिए फ्यूचर पोसेशन के लिए, अधिकार बताने के लिए आप सभी में विल हैव का प्रयोग कर लीजिए। तो अब देखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रहा हूं, मैं रहा था और मैं रहूंगा, ये क्या है, इसे भी देख लेते हैं। हैव, हैज और हैड का प्रयोग कहां कहां होता है ये सब आपको बता दिया गया है, लेकिन उसमें बीन लगा करके कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग टू इवनिंग
इसका यूज़ करते ही हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग कई जगहों पर होता है, जैसे कहीं भी कभी पैसिव बनाने के लिए होता है टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट में किस प्रकार या फिर पास्ट परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हैज बीन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे ये भी आप जानते हैं, लेकिन नाउन के साथ में या एडजेक्टिव के साथ में कैसे करते हैं ये आप इसको सीखें, ताकि इंग्लिश स्पीकिंग में ये आपके जुबा पर हो और आसानी से आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। जैसे एक एक सेंटेंस को देख लेते हैं, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं पर वैसा मेन वर्ब कहीं लगाया नहीं गया है आईएनजी लगा करके, लेकिन एक बात याद रखें कि इस तरह के सेंटेंस में कोई कार्य पास्ट में शुरू होता है और वर्तमान में भी चल रहा होता है, तब वहाँ पर हैव बीन का प्रयोग जरूर करेंगे, चाहे उसके साथ एडजेक्टिव हो या फिर नाउन भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स का मतलब है कि मैं 10 वर्षों से शिक्षक हूँ या रहा हूँ, बात बराबर है। अगर आप 10 वर्षों से शिक्षक हैं तो हैव बीन अ टीचर बोल सकते हैं, या फिर 10 वर्षों से शिक्षक रहे हैं या फिर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हम इंग्लिश में उसे इसी प्रकार बोलेंगे। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन माई कलीग, शी हैज़ बीन माई कलीग, वह मेरी कलीग रही है, सहकर्मी रही है, साथ करने वाली, साथ में काम करने वाली रही है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में किसी के साथ काम कर रहे हैं, 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, 2 महीनों से ही कर रहे हैं, तो उसे आप कलीग बोलेंगे, तो रही है का मतलब है कि अभी भी वो है। नेक्स्ट है शी हैड बीन इल फॉर 2 मंथ्स, मिस वह 2 महीनों से बीमार थी, पास्ट में थी और लंबे समय तक बीमार थी, इसके लिए हैड बीन का प्रयोग करना जरूरी है। हम ऐसे बोल सकते हैं शी वाज इल, वह बीमार थी, लेकिन हम समय का भी ड्यूरेशन भी बता रहे हैं कि 2 महीने से थी, तो उसके लिए हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई विल हैव बीन इन मुंबई फॉर 5 ईयर्स, मैं मुंबई में रहूँगा और कितने समय के लिए, 5 वर्षों के लिए मुंबई में रहूँगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि आई विल लिव इन मुंबई, लेकिन जैसे टाइम बताया गया है का मतलब है कि ड्यूरेशन बताया गया है, लंबे समय तक रहेंगे, इसलिए विल के साथ में हैव और बीन लगाना ज़रूरी होता है, सेंस को समझना जरूरी है। फिर यहाँ पर शी विल हैव बीन इन पटना फ्रॉम 2020, मतलब वह पटना में 2020 से रहेगी। एक बात याद रखिए, इस तरह के सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम होने के बावजूद भी सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह फ्यूचर है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर में ही सिंस का प्रयोग नहीं करके उसके जगह पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। छोटी छोटी चीज़ है लेकिन जानना जरूरी है। तो शी विल हैव बीन इन पटना फ्रॉम 2020, वह 2020 से पटना में रहेगी, तो इसके लिए इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, इसे बोलेंगे। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की और देखते हैं आप क्या समझे। तो चलिए, देखने में तो बिल्कुल आसान रहा, लेकिन इसी पर एक सवाल करेंगे और देखते हैं आप कितना अच्छे तरीके से इसे जवाब दे पाते हैं। चलिए, सवाल है, इस दुनिया में किसके पास सब कुछ है? गजब, इस दुनिया में किसके पास सब कुछ है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेकिन धरपराना नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग से सोचे और अभी कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए, मैं एक एक करके चेक करूंगा। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस नहीं लिखना है, बस एक ही लिखना है जो मैं पूछा हूँ, उसी का जवाब दीजिए। बहुत सारे सेंटेंस लिखेंगे तो मेरे पास समय थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं चेक कर पाऊँगा। एक लिखे, किसके इस दुनिया में किसके पास सब कुछ है। तो चलिए, आपके जवाब का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सीखने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।